नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सुप्रीम समाचार। ब्रजेश सिंह के साथ हम इस वक्त पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में। यह है विधानसभा 350 दीदारगंज। लोक निर्माण विभाग के तरफ से यहां जो है गड्ढा सरकारी योजनाओं के तहत यहां गड्ढा मुक्त कार्य चालू किया गया था, जो आपके पुष्पनगर गाँव से जाने वाला है। लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक का जो है रास्ता है। हम आपको दिखाए हैं किस प्रकार से गड्ढा मुक्त कार्य किया गया है, जो कि सरकार की कहीं ना कहीं योजनाओं को फिरना दिखाया जा रहा है। ये रोड पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि जरा सा दिखाएं इस कहाँ किस प्रकार से ये जो है गड्ढा मुक्त का कार्य किया गया है। और ये देखिए गड्ढा है, दो दिन यहाँ गड्ढे मुक्त कार्य किया गया, जबकि पूर्ण रूप से गड्ढा बना हुआ है। और जहाँ साफ सुथरी जमीनें दिख रही थी, जहाँ साफ सुथरा रोड था, वहीं पर गड्ढा मुक्त कार्य किया, बाकी गड्ढा वैसे छोड़ दिए गए। यहाँ के दर्शक भी, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि जब यह कार्य हो रहा था किनके द्वारा कार्य कराया गया है। अभी ना इसके ठेकेदार की पता चल पाया, ना ही इस पर जितना बजट खर्च किया गया है वो अनुमानों कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन ये जहाँ तक लग रहा है कि गड्ढा मुक्त कार्य मार्केट के तहसील अंतर्गत किया गया, लगभग लाखों रुपए का यह कार्य होगा। हम यहाँ के ग्रामीण हैं राणा सिंह जी, समाज सेवी भी हैं, इसे इस संबंध में चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत हमारे सुप्रीम समाचार में। सर, आपके यहाँ गड्ढा मुक्त कार्य जो किया गया है, जी पुष्पनगर से लेकर के लगभग गद्दोपुर, ये 8 से 10 किलोमीटर तक का सर रेंज है। जी जी, तो हम आपको जानना चाहेंगे सर, किस प्रकार से गड्ढा मुक्त किया गया, सर हम क्या कहना चाह रहे हैं? कोई कार्य नहीं हुआ, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, जब इसको भ्रष्टाचार युक्त कार्य हुआ है। जी, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए था, ये भ्रष्टाचार युक्त कार्य हुआ है। जी, और इस सरकार में जहाँ दावा किया जाता है जी कि सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ऐसे में ये जो रोड है, ये आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और ये यहाँ से प्रमुख मार्ग है, लिंक मार्ग है, गद्दोपुर तक जाता है जी यहाँ से। और ये सड़क का उद्घाटन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था अपने हाथों से। आज स्थिति यह है कि आए दिन यहाँ दुर्घटना होती है। जी, सरकार सर बड़े बड़े दावे कर रही है, और सामने लोकसभा सर चुनाव भी है 2024 का, जहाँ की सरकार सर चाह रही कि हम अच्छे कार्य करके जो है, अच्छा प्रदर्शन करके जो है विधानसभा लोकसभा में अच्छे सीटें ला करके जो है हम अपना प्रधानमंत्री का जो है दावेदार चुने। तो सर, इस प्रकार से जो सड़क में कार्य हो रही है, सर क्या आपको लगता है कि इस बार भाजपा की सरकार चयनित हो पाएगी? भाजपा की सरकार चयनित हो न हो, जी हमको लगता है जो ये कार्य किया जा रहा है लोक निर्माण विभाग, हमको लग रहा है कि प्रशासन तो चाहता है कि गड्ढा मुक्त हो, और उसने आदेश भी किया है, उसे कार्य हो रहा है, लेकिन इस तरह से कार्य जो किया जा रहा है जी, ये प्रमुख अधिकारियों की देन है। अधिकारी उसमें करता था भी। अच्छा, यहाँ सर ये जो है गड्ढा मुक्त कार्य किए जो है लगभग कितना दिन हुआ होगा सर? अभी तो हम देख रहे हैं जो अभी परसों ऐसे गिराते हुए चले गए, एक जगह चक्की मारा, दूसरी जगह आधे किलोमीटर भी मार दिया, ऐसे जी